अस्सलाम वालेकुम दानियल सर, आप वालेकुम अस्सलाम। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? प्लीज आए। प्लीज ये आपके नए घर के लिए। थैंक यू। आप बैठे प्लीज। थैंक यू। ऑफिस में तो बात नहीं हो पाते, आप भी मसरूफ होती हैं और मैं भी, इसलिए सोचा कि आपसे आपके घर ही मिलूं। सोया नजर नहीं आ रही? जोया वो शरीफा बी के साथ पार्क तक गई है, आती होगी। हानिया, मैंने आपसे कुछ कहना था। आप ऐसा कुछ मत कहिएगा जो पॉसिबल ना हो और आपके लिए एक इम्तिहान बन के रह जाए। इम्तिहान से तो मैं अभी भी गुजर रहा हूँ, अपने दिल की दिल ही में रख कर बहुत अजियत काट ली है मैंने, इसलिए सोचा कि यहाँ चला हूं। आप अपने दिल की दिल में ही रखे तो बेहतर होगा। इसका मतलब आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए हानिया, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो दिल ही दिल में मैंने ये फैसला कर लिया कि अपनी जिंदगी का बाकी का सफर सिर्फ आपके साथ गुजारना चाहता हूं मैं। लेकिन प्लीज आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी पोजीशन का कोई नाजायज फायदा उठा रहा हूं, मगर ये भी सच है कि मैंने आपसे मोहब्बत की है। अपनी रूह की गहराइयों से, अपनी जात की तमाम सच्चाइयों से। मैं कौन हूं, क्या हूं, बगैर कुछ जाने आप। हानिया, मैं आपको जानता हूं और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपके माजी में क्या है या क्या था, और मैं चाहता हूं कि आप भी भूल जाएं। मैं नहीं भूल सकती, अपनी ताकत से ऊंची छलांग भी आपको जमीन पर लाकर पटक देती है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकेगा। देखिए मैं ये तो नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या है, मगर आप मेरा भरोसा कर सकती हैं, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा, आप मेरा यकीन कर सकती हैं। दानियाल सर, प्लीज। दानियाल सर नहीं, सिर्फ दानियाल। आपके लिए कॉफी लाऊं? कॉफी बनाऊंगा। छोड़।